तो आज इस वीडियो में हम एक अनोखे लाइट के बारे में जानेंगे जो कि आप चोरों के लिए या जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दादा दादी के लिए। काफ़ी कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो ये लाइट को कहाँ से परचेज करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हॉटेड का देख सकते हैं मोशन लाइट सेंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हमने यहाँ पे दो लाइट को मंगाया है, एक वार्म देखने के लिए मिल जाता है, एक कूल देखने के लिए मिल जाता है। जो लाइट जिनको पसंद आएगा वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो बॉक्स को जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको छोटा सा पाउच देखने के लिए मिलता है, मेन डिवाइस आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको दो स्क्रू देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद पाउच के अंदर जैसे कि आपको यहाँ पे एक एडहेसिव मिल जाता है जो कि आप कहीं पे भी फिक्स करके वॉल पे इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दो आपको राउंड शेप में जो है मेटल का यहाँ पे चीज देखने के लिए मिलेगा जो कि आप इसको वॉल पे सेट करके आप इस मोशन सेंसर को वहाँ पे डायरेक्टली फिट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और इसमें मैग्नेट पहले से लगा हुआ होता है और ये मेटल का है और इसके पीछे एडहेसिव है तो ये काम करता है। इसके बारे में भी हम वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ पे आपको स्ट्रैप भी देखने के लिए मिलता है तो कहीं पे जैसे इसको लटकाना है तो आप लटका सकते हैं। यहाँ पे यूज़र गाइड है, अगर पढ़ने की आवश्यकता है तो आप पढ़ सकते हैं। स्विच की बात करें तो इसमें आपको तीन स्विच देखने के लिए मिलता है, एक है ऑन, एक है ऑफ और एक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में रखेंगे तब जा करके ये जो है ऑटोमेटिक काम करेगा, मतलब जैसे कि कोई चीज़ सामने में आ जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा। इसे यूज करने के लिए आपको तीन बैटरी, ट्रिपल ए जो बैटरी आती है रिमोट वाली, वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। और ये बैटरी इसमें नहीं होता है, इस बैटरी को आपको परचेज करना पड़ेगा बाहर से। खैर इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इसको हमने सेट कर लिया है, ये ऑन है ऑलरेडी, इसीलिए जो है लाइट यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑटोमेटिक हो गया है। लेकिन फिर भी इसका डेमोंस्ट्रेशन हमको बताते हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक पे क्या है कि जैसे इसके पास में कुछ भी आएगा मतलब 5 मीटर के दायरे में तो ये ऑटोमेटिक जो है सेंस कर लेता है उस चीज़ को और ये ऑन हो जाएगा। तो 5 मीटर तो खैर नहीं होगा, टेम्परेचर के हिसाब से होता है। और देखिए 20 सेकंड में ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। हमने यहाँ पे टाइमर को ऑन कर दिया है ताकि आप एक चीज़ नोटिस कर पाओ कि 20 सेकंड में ये ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 20 सेकंड एकदम जैसे होगा ये ऑफ हो जाता है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसे हम वॉल पे फिट करने का तरीका बताते हैं। आप ये देख सकते हैं मेटल वाला जो प्लेट है उसको आप पीछे से रिमूव कर देंगे और एडहेसिव वाले पार्ट को किसी वॉल पे आपको इस तरह से चिपका देना है। और ये मैग्नेट है और जैसे कि उसके पास में ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपस में सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है ये आप कहीं पर सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि आपके मेन गेट पे कोई चोर आता है या जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो आप नहीं चाहते कि वो आए और आपको वो चीज़ पता चल जाए, तो ये लाइट वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो अंधेरे में कोई चोर अगर किसी चीज़ को चुरा करके ले जाता है तो वो पकड़ा जाएगा मतलब लाइट से। सीढ़ी जैसे कि आप चढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कभी कभी कि लाइट वहाँ पर नहीं होता है, तो उस जगह पे भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इस्तेमाल करने का पीछे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए कि सीढ़ी घर का जो लाइट होता है वो स्विच जो होता है उसका, मान लीजिए कि आप नीचे जगह है तो नीचे से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं या ऊपर है तो ऊपर से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, तो ऑन ऑफ़ करने का झमेला भी नहीं रहेगा, मतलब एक तरह समझ लीजिए वो फिट रहेगा। आप चढ़ेंगे सीढ़ी पे 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और वापस जैसे कि आपको आना है नीचे जाना है, अगर मान लीजिए वापस आएंगे तो वो लाइट जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और फिर 20 सेकंड के बाद वो बंद हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे फ़ायदा आपको देखने के लिए मिल सकता है। और मुझे पर्सनली जो है सबसे अच्छा इसका यूज जो लगा है वो सीढ़ी घर के ही पास लगा है। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि अलमीरा में किसी चीज़ को रखे हैं, आप खोज रहे हैं, आपके पास लाइट नहीं है, तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे इसका सेंसर ऑन हो जाता है और लाइट ऑन हो जाती है, फिर 20 सेकंड बाद ऑफ हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। आप इसका इस्तेमाल किचन में भी कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे कि लाइट का मतलब प्रॉब्लम है कुछ तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 सेकंड बाद जो है वहाँ से भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। बाथरूम में जैसे कि बहुत लोग मान लीजिए कि लाइट बार बार जाते हैं और भूल जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएंगे, आप अपना टॉयलेट यूज़ करेंगे, टॉयलेट यूज़ करने के बाद में जैसे आप टॉयलेट से बाहर निकलेंगे 20 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिक टॉयलेट का लाइट जो है बंद हो जाएगा। अगर हम कूल वाले मोशन सेंसर लाइट की बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंस नहीं है, सारा चीज़ आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। लाइट जो है यहाँ पे कूल निकल के आता है, वहाँ पे आपको हल्का सा येलो निकल के आएगा। प्राइसिंग की बात करें तो आपको 600 में ये काफ़ी आसानी से अमेजन पे देखने के लिए मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको परचेज करना है तो वहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हैं। और ये मोशन सेंसर लाइट को अगर जैसे कि आप मान लीजिए यूज करना चाहेंगे तो आप कहाँ पे यूज करना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।